हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू। टुडे विल बी डिस्कस अगेन एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 एंड चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। And today's first question is question number 1. A ray A, B and point C, and this is a line CD. This angle is X and this is Y. Okay? क्लियर। एंड क्वेश्चन इज ए सी एंड बी सी आर अपोजिट रे। ए सी एंड बी सी आर अपोजिट रे। ओके, इफ 2x-3y = 60, इफ गिवन, इफ 2x-3y = 60 degree, then find the value of x and y. Find the value of x and y. X और y की हमें value find करनी है। So student, यहाँ पर देखिए, first equation तो हमारे पास है, given है 2x-3y = 60 degree, 2x-3y = 60, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए, ये x प्लस वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, और सम कितना होता है 180 degree। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180, सेकेंड इक्वेशन। ओके, सॉल्व बोथ द लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एनी मेथड। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं एक्स को, देन मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को हम माइनस कर रहे हैं, बट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 2x-3y = 60 एंड 2x+2y = 360 degree। ओके, क्लियर, यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। साइन चेंज की हमने, माइनस 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 कैंसल, -5y = -300। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको हम इरेज करते हैं स्टूडेंट, और इसके बाद देखिए, आफ्टर दिस -5y = -300। -5y = -300। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बिकॉज बोथ साइड आर सेम साइन, माइनस माइनस, y = 300/5। 5 से आपने डिवाइड किया, 5 6 जा 30, 60 degree। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई स्टूडेंट, 60। पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम वाई की वैल्यू को पुट करते हैं, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 60, देन एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। सो वी फाइंड बोथ वैल्यूज, एक्स इज 120 डिग्री एंड वाई इज 60 डिग्री। ओके, एक्स 120 डिग्री एंड वाई इज 60 डिग्री। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फिगर बी सी ए इज ए लाइन। सेकेंड क्वेश्चन, बी सी ई इज ए लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बी सी ए इज ए लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और देखिए फिगर है, ए बी एंड ए अनादर रे सी ई, सी ई एंड वन अनादर रे सी डी, सी डी। ओके, एंगल बी सी डी 2x, बी सी डी 2x एंड एंगल डी सी ई 2x प्लस 30, 2x प्लस 30, 2x प्लस 30 डिग्री एंड एंगल ए सी ई एक्स, ए सी ई एक्स। ओके, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पर थ्री एंगल्स हैं, ये 2x, 2x प्लस 30 एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट देखिए, अगर हम इन तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो ये एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बन जाता है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सो 2x प्लस 2x प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x प्लस 2x प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x 2x 4x एंड x 5x प्लस 30 इक्वल टू 180। क्लियर अंडरस्टैंड स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए 5x इक्वल टू 180 माइनस 30, 5x इक्वल टू 150 डिग्री, देन x इक्वल टू 150 अपॉन 5, 30 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 30 डिग्री फाइंड कर ली है x की वैल्यू। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन में केवल x की वैल्यू को ही फाइंड करने को कहा है, अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता कि आप तीनों ही एंगल को फाइंड करिए, तो अब आप इन थ्री एंगल्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आप x की वैल्यू को 30 डिग्री को पुट कीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, x इक्वल टू
30 डिग्री, ये तो हमने फाइंड ही कर लिया है। ओके, अब देखिए 2x, 2 मल्टीप्लाई 30, 60 डिग्री का एंगल है, 2x प्लस 30, 60 प्लस 30 90 डिग्री एंगल एंड x इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो हमने इन थ्री एंगल्स को फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई क्लियर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आई होप दैट स्टूडेंट, इसी के साथ आज ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।